प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज उत्तर प्रदेश ने आपशे आंतरराष्ट्रीय एरपोर्ट की भेट। गौतम बुद्ध नगर में विश्व चौथा सौथी मोटा जेवर एरपोर्ट नु करशे शिलान्यास। इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स ना कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह नु संबोधन। बदलाता भारत ना योगदान में आईसीसी ने भूमिका ने गणावी महत्वनी। पूर्वोत्तर राज्यों में रोकाण करवाना चेम्बर ऑफ कॉमर्स ना निर्णय नी अमित शाह करी प्रशंसा। बे दिवसना गोवा प्रवासे भाजपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। पार्टी कार्यकर्ताओं सम्मेलन में कर्यु संबोधन। कहू पीएम मोदी नेतृत्व में गोवा में चालू रहेशे विकास की रफ्तार। वहली सवारे पणजीना महालक्ष्मी मंदिर में जेपी नड्डाए करी पूजा अर्चना। भारतीय नौसेना में सामेल थी सबमरीन आईएनएस वेला। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह की उपस्थिति में योजायो समारोह। मेक इन इंडिया अंतर्गत तैयार थयेली स्कॉर्पियन डिजाइन नी चौथी सबमरीन छे आईएनएस वेला। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शांघाई सहयोग संगठन ना शासन अध्यक्षों की बैठक में करशे भारत नु प्रतिनिधित्व। वीडियो कॉन्फरेंसिंग ना माध्यम थी योजानार बैठक में एससीओ ना सभ्य देशों ना अधिकारियों लेशे भाग। अफगानिस्तान सहित ना मुद्दे कराशे चर्चा। देश में वैक्सीनेशन नो आंकड़ो पहुंचो 119 करोड़ ने पार। गईकाले देश में 90,27,000 लोगों नू रसीकरण। तो नवा 9,119 केस सामे 10,264 लोग थया साजा। 539 दिवस बाद एक्टिव केस घटीने 1,09,000 पर पहुंचया। 10 जानुआरी थी शुरू थता वाइब्रंट समिट नी तैयारीओना भागरूपे दिल्ली में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल नी अलग अलग उद्योगपतिओ साथे 1-to-1 बैठक। आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत ना सूत्र साथे आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला, केंद्रीय मंत्री दर्शनाबेन जरदोष सहित दिग्गजों रहा था हाजर। सूरत में योजायो भाजपा भव्याति भव्य स्नेह मिलन कार्यक्रम। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह वर्चुअली जोड़ाई कार्यकरों ने पाठवी दिवाळी की शुभेच्छा। कहू प्रदेश प्रमुख सी आर पाटिल नो पेज प्रमुख नो प्रयोग देशभर ना पार्टी कार्यकर्ताओं माटे बन्यो मॉडल। तो मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले सूरत में भव्य स्वागत बदल कार्यकरों नो मान्यो आभार।